सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से किसी भी फोटो या वीडियो के साइज को कम कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास एक वीडियो पड़ी है जिसका साइज 800 MB या 800 MB है, तो उसको आप कम करके 250 या 250 MB तक ला सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम आती है कि जब हम अपनी जो वीडियो फाइल है उसको कंप्रेस करके कम करते हैं, उसके साइज को कम करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, रेजोल्यूशन है, वो कम हो जाती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 1000 MB की फाइल को 250 या 300 MB की कर लेते हैं, फिर भी उसकी क्वालिटी के अंदर कोई भी फर्क डिफरेंस या नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल में गैलरी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं यहां पर एल्बम्स में आता हूं, देन यहां पर अदर एल्बम पर क्लिक करने के बाद मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर दोस्तों मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, यहां पर मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर यह वीडियो है। अब दोस्तों यहां पर इसका जो टाइम है वो नोट करें, यह वीडियो है 3 मिनट और 36 सेकंड्स की, यानी कि 3 मिनट्स और 36 सेकंड्स की। अब दोस्तों यहां पर मैं ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूं और देन यहां पर डिटेल्स पर क्लिक करता हूं। तो दोस्तों यहां पर इसकी डिटेल्स आ गई और आप नोट कर सकते हैं कि इसका जो इस टाइम फाइल साइज है वो 502 MB है, यानी कि 500 MB हम कह सकते हैं। आपने इस साइज को नोट कर लेना है और बाद में हम देखेंगे कि ये जो मेरी यानी कि जो फाइल है या वीडियो है ये कितने MB की रह जाएगी। 500 MB आपने नोट करना है। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक देंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद इस पर 1 टैप करना है और आपकी एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है और देन दोस्तों ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि आपके मोबाइल में कौन सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना, यानी कि मेरे एक्सपोर्ट में वो पड़ी हुई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाली वो वीडियो है जो हमने वहाँ पर सिलेक्ट की थी। अब दोस्तों जो हमें जो एक्चुअल रेट बताया जा रहा होता है MB का, वो या दोस्तों यहाँ पर उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होता है। तो इस एप्लीकेशन ने हमें जो फाइल है उसका एक्चुअल यानी कि जो MB है वो बताए हैं। तो यहाँ पर देखें, ये वाली वही वीडियो है 3 मिनट और 36 सेकंड की जो वो थी, और इसके जो MB है वो 479 MB है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, कंप्रेस वीडियो का, फास्ट फॉरवर्ड, प्ले वीडियो, रोटेट, शेयर, एक्सट्रैक्ट MP3, यानी कि आप वीडियो को MP3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आपने कंप्रेस वीडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ऊपर आपके सामने ऑप्शन आएंगे, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, कस्टम। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने हाई क्वालिटी ही रहने देना है, लो क्वालिटी आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आप इसका जो ऑडियो है वो भी रिमूव कर सकते हैं अगर आप वीडियो का रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जो इसका एक्चुअल रेट था वो आपने पीछे नोट किया होगा, 479 MB हमें बता रहा था। अब दोस्तों यहां पर हमें 95 कंप्रेस करके देगा तो वो 440 हो जाएंगे। इसके अलावा यहां पर अगर हमें ये 90% करके देगा तो 395 हो जाएंगे। यानी कि अगर कह सकते हैं कि हम अगर वीडियो को 10% कंप्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का साइज 100 MB कम हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर ये HD है जिसमें 83 हम करेंगे तो हमें 339 रह जाएगा, 479 से 339 रह जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप इसको ये भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर नीचे की तरफ आए तो ज्यादातर जो लोग हैं वो इसको कंप्रेस करते हैं, यानी कि इसके अंदर इस रेजोल्यूशन को पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहां पर 720p में आना है, यानी कि यहां पर देखें ये वाला रेजोल्यूशन है, 66% कंप्रेस होगी और हमें 217 के जो MB है वो रह जाएंगे। आपने जस्ट क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी जो कंप्रेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो 67% कंप्रेस हो गई है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कंप्रेस हो गई है, मैं गैलरी को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर ये वाली जो वीडियो है ये कंप्रेस वीडियो है और इसके अंदर हमारी मेन वीडियो पड़ी हुई है। अब सबसे पहले मेन वीडियो को देख लें कि उसका जो रेजोल्यूशन है वो कैसा था। तो यहां पर दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों देखें, इसका रेजोल्यूशन कुछ ऐसा था, ठीक है। अब यहां पर मैं दोबारा बैक की तरफ आता हूं, आने के बाद जो हमारी कंप्रेस वीडियो मैं उसको देखता हूं, इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद देखें दोस्तों क्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं आया है और हमारी वीडियो का जो साइज है वो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद जो पहले वीडियो का साइज था आई थिंक 479 MB, यानी कि 500 MB, वो अब 224 MB हो गया है।